देर आर टू काइंड ऑफ वाइब्रेशन देर आर टू काइंड ऑफ द वन इज़ नाउन एज फ्री ओसीशन वायल द अदर इज़ नाउन एज ड्रिवन ओसीेशन फ्री ओसिलेशन अपने नाम से ज़ाहिर है ये ऐसी ओसीेशन हैं ऐसी वाइब्रेशन हैं जिसमें में बॉडी uh, जो है वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है उस पर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लगती जो उसको मजबूर करे ए, अपना ओसिलेशन को बरकरार रखने के लिए बल्कि आप एक दफ़ा उसको डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं और वो फिर अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है तो आप उसको थोड़ा सारा डिस्प्लेस करके छोड़ दें और जिस जब वो इन दी एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेट करता रहेगा तो उस ओसिलेशन उस को उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को हम कहेंगे ये फ्री हारमोनिक शो कर रहा है फ्री ऑसिलेशन शो कर रहा है और फ्री ऑसिलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट जिस तरह आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि जो इस इससे बनने वाली इसकी वाइब्रेशन से बनने वाली वेव है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ओब्वियसली फ्री ऑसिलेशन हमेशा इन दबसेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं जबकि मैंने बोला फ्री ओसिलेशन होती ही वो है जो इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो होती हैं और जिस भी फ्रिक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करती है कोई भी चीज़ इन दी एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाती है सो so, एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंपल पेंडलोम की एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ ओसिलेशन इज फोर्स ओसिलेशन विच आर आल्सो आल्स ड्रीवन हारमोनिक ओसिलेशन अपने नाम से ज़ाहिर है कि इसको हम खुद से डिराइव करते हैं और खुद से फोर्सफुली परफॉर्म करवाते हैं तो सच ऑसिलेशन इन विच कंटिन्यूस फोर्स इज अप्लाइड टू कीप द बॉडी इन ऑसिलेशन विद सेम एम्पलीटूड अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो आस्ता आस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो ऑसिलेशन जो है वो वाइब्रेशन जो है वो रुक जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि वो उस सेम एम्पलीटूड के साथ वाइब्रेट करती रहे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ऐसी ओसिलेशन को आप ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन या फोर्स ओसिलेशन बोलते हैं अब फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन को माइंड में रखते हुए हम रेजोनेंस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे रेजोनेंस जो है ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अस्टोनिशिंग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें क्योंकि हर एक चीज़ की कोई ना कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है तो अगर आप किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ अप्लाइड फ्रिक्वेंसी को मैच कर लें तो वहाँ पर रेजोनेंस का प्रोसेस होता है तो सिंपली आप कह सकते हैं वन वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस व्हाट इज व्हाट इज़ अ रेजोनेंस प्रोसेस इन विच द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रिकुएंसी ऑफ द बॉडी सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन इन विच नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स आप इसके लिए एक सिंपल पिंग वाले झूले की एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास पिंग वाले झूले में आ, आप जो इटसेल्फ झूला है वो एक सिंपल पेंडलम की का कह लें एग्ज़ाम्पल है अब इस केस में एक फ्रिक्वेंसी वो है जिससे वो जो झूला है वो वाइब वाइब्रेट कर रहा है और दूसरी फ्रिकुनसी हमारे पास उसके पीछे खड़ा हुआ वो बंदा है जो उसको एक आस्था आस्ता धक्का दे रहा है उसकी धक्के देने की एक फ्रिक्वेंसी है और एक है जिससे वो झूला जो है वो वाइब्रेट कर रहा है अब अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी क्योंकि वो धक्का जो दे रहा है वो भी खास टाइम के बाद अपने उस पुश को रिपीट कर रहा है ठीक है और झूला भी अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है तो जितनी भी रेपिटेशन वाली मोशन होती है आप उसको वाइब्रेशन कह सकते हैं तो धक्का देने की फ्रिक्वेंसी और झूले की जो फ्रिक्वेंसी है जब वो मैच कर जाती हैं तो हमारे पास रेजोनेंस का प्रोसेस होता है और रेजोनेंस का प्रोसेस क्या है कि रेजोनेंस के प्रोसेस में जो हमारे पास एट दिस पॉइंट जो है वो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका जो एम्पलीटूड है वो इंक्रीज़ करता है एक्सपोनशली यही वजह है कि हमारे पास इस झूले वाली एग्जाम्पल में हालांकि पीछे खड़ा हुआ बंदा बड़े एक हल्का सारा पुश भी कंटिन्यूसली सेम फ्रिक्वेंसी से प्रोवाइड करता रहे तो हमारे पास जो झूले की जो एम्पलीटूड है वो आस्ता 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 बढ़ता रहेगा इवन अगर वो बंदा बड़ा आस्ता भी उसको पुश प्रोवाइड कर रहा है तो ये इसी वजह से हो पाता है क्योंकि जब रेजोनेंस का प्रोसेस होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उससे फ्रिक्वेंसी को मैच किया जाए तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ऑन दी अदर हैंड अगर हम जो अगर हम इस रेजोनेंस वाले प्रोसेस में जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सारा डिफरेंस भी लाएं मतलब रेजोनेंस का प्रोसेस को तोड़ें तो हमारे पास सारे का सारा जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लॉस हो सकती है जिस तरह मैंने लिखा द होल सिस्टम कैन बी डिस्टर्ब इवन द स्लाइड चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है जी कि मैं इतना देर क्यों वेट करूँ उसको धक्का देने के और वो दरमियान में जा खड़ा हो जाता है कि जब वो झूला पूरी तरह से पीछे आ भी नहीं पाता उसको पहले ही वो चाहता है कि मैं ज़्यादा ज़ोर का धक्का दे के उसको मज़ीद आगे पुश करूँ लेकिन चाहे वो दरमियान में आप खड़े हो के मतलब अपनी उसने जगह छोड़ दी और अपनी जो फ्रिक्वेंसी धक्का देने की फ्रिकुनसी है उसको चेंज किया तो इवन अब वो अप ज़्यादा पुश प्रोवाइड भी करे तो वो सारे की सारी जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाएगी और वो झूला जो है वो जिस फ्रिकुनसी के साथ जिस एम्पलीट्यूड के साथ पहले वाइब्रेट कर रहा था वो अब उस वो भी उसका जो सारे का सारा एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाएगी और झूला रुक जाएगा ठीक है सो दैट शो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसके साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं तो इवन आप थोड़ा सारा काम करें तो भी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और एम्पलीट्यूड भी जो है वो इंक्रीज़ करता है एक्सपोनशली मतलब बहुत ज़्यादा तो इसमें आम डेली रूटीन लाइफ में रेजोन के डिफरेंट प्रोसेस हैं जिस तरह पेंडुलम का मैंने आपको एग्जांपल दिया इसी तरह एक ब्रिज की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे सोल्जर्स जो होते हैं वो सोल्जर मार्चिंग करते हैं मतलब कदम से मिला के कदम चलते हैं तो अगर सौ सो सोल्जर जो हैं वो वॉक करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सब कदम से कदम मिला के जा रहे हैं मतलब सब सबकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चलने की वो सेम है तो जब वो किसी ब्रिज से क्रॉस करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन ये दी जाती हैं कि अब अपने आप ने जो है वो कदम से कदम मिला के नहीं चलना ताकि जो एक सेम फ्रिक्वेंसी से एक सिंगल वेव सेम फ्रिक्वेंसी की जनरेट हो रही थी अगर वो ब्रिज की फ्रिक्वेंसी के साथ किसी भी पॉइंट पे मैच कर जाए तो वो पूरे का पूरा जो ब्रिज है वो क्लेप्स कर सकता है सेम इसी तरह जिस तरह ओपरा गाने वाली जो है वो अपनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट तरह से चेंज करके एक गिलास को शीशे को तोड़ने की कैपेसिटी रखती है वो भी रेजोनेंस का ही प्रोसेस है माइक्रोवेव ओवन जो है वो भी रेजोनेंस के प्रोसेस में ही चलता है जिसकी हेल्प से वो जो भी जो खाना है उसके अंदर रखा जाता है वो माइक्रोवेव्स की को यूज़ करके माइक्रोवेव बेसिकली वो रेडिएशन हैं वो जो यूज़ करती है उनकी जो वेवलेंथ होती है उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो खाने के जिस पोर्शन के साथ मैच करती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है अक्सर अकात आपने देखा होगा कि ओवन में जब आपने कोई चीज़ रखी तो हो सकता है वो एक जगह से तो गर्म हो गया दूसरी जगह से गर्म नहीं होता तो जिस जगह से उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई वो वहाँ पर मैक्सीम हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं चाहे वो रेडियो है चाहे वो टेलीविज़न है ये सारे के सारे रेजोनेंस के प्रोसेस पे चल रहे हैं एक टीवी में एक रेडियो में आपको पता है कि पचास साठ चैनल आ रहे होते हैं ठीक है वो सारे के सारे चैनल्स क्या हैं हर चैनल बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी है जिस तरह ना, रेडियो नाइन्टी सेवन रेडियो नाइन्टी एट वन ज़ीरो फाइव वन ज़ीरो टू ये जो चैनल्स के नाम होते हैं ये बेसिकली ये उनकी फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे वो ऑपरेट कर रहे हैं तो हालांकि जब कोई टीवी आपके घर पड़ा हुआ है और एक चैनल चल रहा है तो वो बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी चल रही है ठीक है और वो फ्रिक्वेंसी जो है जो रेडियो स्टेशन ने जो टेलीविजन स्टेशन ने पूरे के पूरे आपके हवा में जो है वो ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं ठीक है तो जब आप किसी टीवी का एक चैनल देख रहे हैं तो बाकी पचास साठ चैनल किधर हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं वो वहीं पे मौजूद हैं उनकी वेव्स वहीं पे मौजूद है उनकी जो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं वो उसी रूम में मौजूद हैं लेकिन आपको कौन सा चैनल नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ वो वाला जिस पे आपने अपने टेलीविजन को ट्यून किया हुआ जब आप अपने सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियो टेलीविजन जो है ये बेसिकली एक आर सर्किट है ये एल सी है आप जब रिमोट से बटन दबाते हैं तो बेसिकली आप उस एल सी की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज कर रहे होते हैं तो आप अपनी टेलीविजन की जो फ्रिक्वेंसी है जिस पे सेट करेंगे तो उसी कमरे में मौजूद वही चैनल जिसकी वो फ्रिक्वेंसी है वो उससे रेजोनेट कर जाएगा और वो वाला चैनल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा अब अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल नज़र ना आए कोई और आए तो आप रिमोट से बटन दबाएंगे अपने टेलीविजन के एल सी की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज कर देंगे और जो चेंज करके रखेंगे उधर ही मौजूद उधर ही जो रेडिएशन उस चैनल की मौजूद हैं वो आपको उस तरह की आउटपुट देनी शुरू कर देंगे अब लेट्स पोज अगर आप ऐसी फ्रिक्वेंसी पे अपना टेलीविजन सेट करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी का कोई चैनल ने अपनी वेव्स को ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो इस तरह से रेजोनेंस के प्रोसेस से आप अपने डेली रूटीन लाइफ में काम को परफॉर्म कर सकते हैं